अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस वाई के। इस वीडियो का टॉपिक होगा डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर। अच्छा, मैंने इसकी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर वैसे ये नहीं लिखा, अगर आप नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मैंने वीडियो बना ही लूँ। सब आप लोगों का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसको, आउटलाइन डिस्कस करेंगे, सही है, और फिर उसके बाद इसको डिटेल के अंदर देखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ज़रूर करें। इंट्रो होगा, ठीक है, आप इसके अंदर कवर करोगे, डेफिनेशन कवर करोगे, इंपॉर्टेंस कवर करोगे, देन आप देखोगे एक्सप्लेनेशन कि ये होता क्या है, यानी ये वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी मॉडर्न जो एप्लीकेशन है वो क्या है। फिर उसके बाद आप थर्ड आउटलाइन देखोगे जिसके अंदर आप रिलेटिव प्रोविजंस को कवर करोगे कि कौन कौन सा इसके रिलेटिव सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। देन हम एट दी एंड एक्सेप्शंस देख लेंगे, ठीक है, और वो एक्सेप्शन जो जो सेक्शन भी कवर कर रहा है हम वो सेक्शन उसका देखेंगे और कवर करेंगे। देन एट दी एंड आपका कंक्लूजन होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी है, इनमें से कोई भी स्किप ना करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखनी है सबसे पहले डेफिनेशन, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करने लगी हूँ, डेफिनेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर, ठीक है। केवियट एम्प्टर एक लेटन फ्रेज है जिसका मतलब है कि लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रेज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट कर रही है ऑन द बायर, यानी अगर मैं एक बायर हूँ तो इस लेटन फ्रेज का मतलब ये है कि अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सब्ज़ी ख़रीदने जा रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहले ही हर चीज़ को अच्छे तरीके से एग्जामिन कर लूँ कि जो जो भी गुड मैं ख़रीद रही हूँ उसकी क्वालिटी क्या है, और फिर उसके बाद उस चीज़ को ख़रीदूँ। पहले ही मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से जाँच लूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस अगर हम इस, ये हो गया आपका केवियट एम्प्टर, इसकी इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें तो वो पहली है कि ये बायर्स को इनकरेज करता है कि आप केयरफुल इंस्पेक्शन करिए, कि जो भी आप परचेज करने पे करने जा रहे हैं उसको पहले अच्छे तरीके से जांच लें, उसके बारे में क्वेश्चन करें, उसके रिलेटेड अगर आपने रिसर्च करनी है वो करिए, ताकि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप जो गुड खरीद रहे हो वो आपकी अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंगली है। इससे ये होता है कि जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, दोनों कोई मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। इससे आपकी जो मार्केट प्रैक्टिसेस हैं जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बायर की, वो जो है वो चीज़ों को चेक करके ख़रीदे, और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो चीज़ों को परफेक्टली सेल करे, दोनों के एक जब बैलेंस आ जाता है तो फिर एक फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, और इसके अंदर फ्रिवोलस क्लेम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, यानी जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना ऑन द क्वालिटी ऑफ द गुड, तो वो जो है वो कम हो जाते हैं अगर बायर जो है वो पहले से अच्छी तरह से रिसर्च करके फिर प्रोडक्ट अगर लेता है। तो ये एक अगर हम इसकी हिस्टोरिकल एंड लीगल फाउंडेशन करें तो केवियट एम्प्टर हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्लेस इन कमर्शियल लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इस डॉक्ट्राइन को समझना असेंशियल है ताकि हमें समझ आए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, उसका लीगल फ्रेमवर्क किस तरह से आया। ये आपका इंट्रो था जिसके अंदर आपने बेसिक बेसिक चीज़ें देख ली हैं। अब हम सेकंड आउटलाइन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर, ठीक है। सबसे पहले है मीनिंग, इसका मतलब क्या है कि बायर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि अगर वो कोई गुड खरीद रहा है तो उससे पहले उसकी क्वालिटी को चेक करे, उसकी सस्टेनेबिलिटी को चेक करे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। अगर हम इसकी स्कोप के बारे में बात करें, दिस इज स्कोप, द डॉक्ट्राइन अप्लाइज टू मोस्ट कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ये अप्लाई होता है जहाँ पे गुड्स को सेल किया जाता है। इसको अजम्पशन क्या है कि बायर की ये अपॉर्चुनिटी है, एबिलिटी है कि वो गुड्स को पहले से जांच पड़ताल उसके बारे में कर ले, ठीक है। पहले पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होती थी जिससे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, अगर चीज़ ख़राब निकल आई है तो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत सारी एडवांसमेंट आई, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आई, और इस हिस्टोरिकल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल बेसिकली बायर्स को करेज, मतलब वो कहता था कि आप इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है कि कोई चीज़ की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उससे पहले उस अच्छे से एहतियात से जांच पड़ताल कर लीजिए, ठीक है, फिर
टाइम टू टाइम आपने देखा कि कॉमर्स ई कॉमर्स जो है ग्रो होता गया, बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते गए, गुड्स भी कॉम्प्लेक्स होती गई, तो फिर जो एप्लीकेशन थी केवीएट एम्पटर की वो भी फिर टाइम टू टाइम हाईलाइट होती गई, ठीक है। और फिर मॉडर्न एप्लीकेशन से मॉडर्न लॉज इसके अंदर आए, फिर वारंटीज़ ऐड की गई, डिस्क्लोजर ऐड किए गए, कंडीशंस ऐड किए गई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर चेंजिंग्स आई गई जो कि मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर आप लिख सकते हो। करंट यूज़ की अगर हम बात करें, केवीएट एम्पटर स्टिल अप्लाइज बट विद मैनी एक्सेप्शंस टू प्रोटेक्ट। केवीएट एम्पटर आज भी अप्लाई होता है लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारी एक्सेप्शन आ गई हैं। बायर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो परचेज करने से पहले गुड्स को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट कर लें, बट सेलर्स मस्ट आल्सो इंश्योर देयर गुड्स, कि सेलर्स की भी ये ड्यूटी है कि वो अगर कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर एक लीगल स्टैंडर्ड से मीट कर रहे हों, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर केवीएट एम्पटर अप्लाई नहीं होता है। एक्सेप्शंस क्या होगी कि जहाँ पर ये प्रिंसिपल लेट द बायर बी अवेयर अप्लाई नहीं होती। कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, वारंटीज़ हैं, फ्रॉड रिमिस रिप्रेजेंटेशन, स्पेसिफिक स्टैचुरी प्रोटेक्शन वगैरह, यहाँ पर ये जो कोविड एम्पटर का कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोविजंस की अगर हम बात करें, सेक्शन 14, 15, 16 और 17 इस बारे में बात करता है। जैसे सेक्शन 14 जो है वो बेसिकली अंडरटेकिंग एज अ टाइटल, जैसे 14 जो है वो हम इसको डिटेल के अंदर मज़ीद देखते हैं कि सेक्शन 14 ए कहता है कि सेलर के पास ये राइट है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, द सेलर गारंटीज दैट दे ओन द गुड्स एंड हैव द लीगल राइट, कि वो गुड्स उसको बिलोंग करती है और उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो लीगल राइट है कि वो चाहे तो उसको सेल कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है सेक्शन 14 बी जो है वो कहते हैं कि बायर विल इंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द, अगर बायर वो चीज़ ख़रीद लेता है तो फिर उसकी ये राइट बन जाता है कि वो इजीली उसकी जो ओनरशिप है उसको इंजॉय कर सकता है। सेक्शन 14 सी इस बारे में बात करते हैं, द गुड विल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस नॉट डिस्क्लोज, कि जो गुड आप सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे से गाड़ी ख़रीद रहे हो, तो अगर उस गाड़ी के अंदर कोई डिफेक्ट है तो मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि ये इसके अंदर इशू है। सेक्शन 15 बात करता है कि जो गुड की डिस्क्रिप्शन आपने शो की हुई है उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जैसे ना अगर आप कोई लैपटॉप ख़रीद रहे हो या फ़ोन ख़रीद रहे हो तो फ़ोन के डिफरेंट फीचर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे होते हैं, तो फिर वो जो फीचर्स वगैरह हैं वो उसके अंदर होने भी चाहिए। और जो आपने उस प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी और फिटनेस भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। इसी तरह सेक्शन 16 और सेक्शन 16 टू और थ्री इसके बारे में जो है वो बात करता है। सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल, व्हेन अ सेल इज़ मेड बेस्ड ऑन सैंपल द बल्क ऑफ गुड मस्ट मैच, यानी बाज़ का तो ऐसा होता है कि एक सैंपल लगा दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसके पीछे पूरा बंडल पड़ा होता है। तो अगर आपने वो सैंपल के बेस के ऊपर सेल हो रही है तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि वो जो सैंपल है वो बाकी जो बंडल के जितने भी कपड़े हैं एक सैंपल जो है वो उससे मैच करने चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट डॉक्ट्राइन ऑफ केवीएट एम्पटर नहीं लगता है? पहला तो इम्प्लाइड कंडीशन एज क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन 16 इसके बारे में बात करता है। implies that if a buyer relies on the seller's skills or judgment to select goods for a particular, the goods must be fit for that purpose. This means that if the seller knows the buyer's specific need, the goods should meet those requirement. तो होते हैं ना, दुकान के अंदर जाते हो, सबसे पहले बताते हो कि ये चीज़ हमें चाहिए, और सेलर जो है सेलर को चाहिए कि वो जो गुड प्रोवाइड करे वो उसकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हो, अगर ये लिखना चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो। दूसरा है सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ हो वही आगे आपकी आप उसको प्रोवाइड करोगे। सैंपल मर्चेंडाइज क्वालिटी, मतलब अगर वो आपसे गुड ख़रीदा गया है तो वो नेक्स्ट उसको सेल करना चाहे तो वो उसको सेल कर सके,
ठीक है, ट्रेड, यूसेज ऑफ ट्रेड, इसको आप वर्ड यूज़ कर सकते हो. और जब आप कोई, व्हेन अ सेलर कमिट्स फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, तो डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्पटर डज नॉट अप्लाई, तो तब डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा. इसके लिए एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, इसका पर्पज़ लिख सकते हो. ये सारी चीज़ें थी, मैं आपको इसका पास्ट पेपर भी बता देती हूँ, जो जो सवाल इसके अंदर पूछा गया है. एक तो ये सवाल पूछा गया ना कि एलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्पटर अंडर सेक्शन 16A. ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में भी लिख के दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो. फिर उसके बाद दोबारा ये पूछा गया है, और इसकी एग्जेम्पशंस कौन कौन सी है, एक्सेप्शंस, और इसको एग्जाम्पल्स के साथ एलेबोरेट करिए. फिर एक और जगह ये सवाल दोबारा से पूछा गया है, डू यू अंडरस्टैंड बाई फ्रेज डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्पटर, इसको एक्सेप्शंस के साथ आप इसका इन द लाइट ऑफ रिलेटिव प्रोविजंस जो इसकी हैं वो आप लिखिए. और वो उसी तरह से मैंने आपको जो सवाल करवाया है आपने सेम वैसे ही करना है. बाकी आपका सारी चीज़ें हो गई हैं इससे रिलेटेड. और मेक श्योर करिएगा कि जो चीज़ें मैंने आपको स्पेशली तौर पे मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, हो सकता है उनमें से मैं कोई एक दो टॉपिक स्किप कर गई हूँ, मैं कर गई हूँ, लेकिन आपने वो स्किप नहीं करना. अगर अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये पेड नोट्स हैं, आप ख़रीद सकते हैं. ओके, जिला हाफिज़.